असलम स्टूडेंडस आई होप यू आर आलफाइन टू डेवल लैक्चर नंबर अलेवन डे सिक्सटीन नंबर फोर कॉन्फ्लिक लैसन नंबर टू शहजाद लेपर शहजाद लेपर शहजाद का चीता स्ट्रेंड्स इन पिवियसर वी हैव स्टडी अबाउट लैसन नंबर वन नव स्टडी अबाउट लैसन नंबर टू शहजाद लेपर शहरजाद का चीता पैराग्राफ नंबर वन शहजाद वॉर आई येलो स्टेन ड्रेस विथ फ्रेल्स एंड बोस एंड अ पेयर ऑफ वाइट शूज एंड वाइट सॉक्स शहजाद ने एक बहुत स्ट्रेन ड्रेस पहना हुआ है जो नरम सा है और उसके रिबन बंधा हुआ है और उसके साथ साथ तो उसने वाइट कलर के शूज और सॉक्स पहने हुए हैं एट दैट आवर ऑफ़ द डे इट वॉज हॉट इवन दो इट्स वॉज नवंबर उस वक्त गर्मी का मौसम था और तकरीब नवंबर का महीना था शहजाद लॉन्ग फॉर हर कम्फर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स शहजाद चाह रही थी कि वो किस तरीके से अपने कम्फर्टेबल से पुरसकून काटन क्लॉथ्स पहने नो बहेव योर सेल्फ एट दटी हर मदर सेट हेयर इज़ मेलकॉम्स प्रेजेंट डोंट फॉर गर्ट टू वेशम हैप्पी बर्थडे एंड से हाउ डू यू डू नाइसली टू हिज मदर अपने उसने कहा कि अब बिहेव करो अच्छे तरीके से रहो और उस मेलकम को मेलकॉम को हैप्पी बर्थडे कैसे विश करना है उसकी मामा से कैसे मिलना है उसको समझा रही है शहजाद वंडर्ड वट वॉज इन द अनॉर्मस पैकेज फॉर मेलकॉम शहजाद बहुत हैरान है कि उस बड़े से पैकेज में क्या है मेलकॉम रॉ ऑल इज ट्रॉइस शी हैड टोल्ड हर मदर सो ओवर एंड ओवर येट दे ऑलवेज गेव मेलकॉम सच नाइस प्रेजेंट्स बेटर दैन एनी थिंग शी हैड एवर रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर हर लेपर्ड हमेशा मेलकॉम उसके खिलौने को तोड़ता था लेकिन उसकी माँ उसके बावजूद उस मेलकॉम को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट बेचते थे इसके बजाय उसको लेकर देती उसके बाद सिर्फ एक ही अच्छा खिलौना था जो उसका चीता था Malcolm was always पुशिंग हर स्पॉइलिंग हर क्लॉथ्स शी ऑलवेज हैड टू वेयर हर बेस्ट टू विजिट हिम जब भी उसको विजिट करने के कर लिए जाती तो उसके हमेशा कपड़े ख़राब करते उसको धक्के देता था बट हिज आई आर नेवर सेट अवर्ड लेकिन उसकी आई को कभी भी कुछ नहीं कहती थी हि हैज ब्लॉन्ड मदर ब्लॉन्ड मदर उसके जो सुनहरे बाल जो थे और उसकी जो वाइट कलर की रंगत के बारे में बता रहा है उसका कम्प्लेक्शन के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ के सुनहरे बाल थे गोल्डन हेयर से और वाइट कलर था विद हर लार्ज हेड्स एंड लॉन्ग वाइट ग्लव्स लाइक टू डेसमिस अनरोनेस विद द वर्ड्स बॉयज विल बी बॉयज हमेशा वो इस तरह करती थी कि उसको इग्नोर कर देती थी उसके इस बैड बिहेवियर को ये कहते हुए कि लड़के हमेशा लड़के ही रहेंगे एक्सेप्ट वन वेन मेलकॉम्स है ट्विस्टेड शेजाद आर आम अराउंड बैक थ्रोन हर डाउन एंड किकड हर इन द्रमक इसके अलावा उसने एक मरतब उसकी माँ ने उस पर जरा एक्शन लिया था जब उस शहजाद को उसने मारा था और उसके पेट में ठोकर भी लगाई थी मिसिस कार्टर हैड हिम एंड सेंट हिम टू बैट उसने उसको पकड़ा और उसको बेडरूम में भेज दिया बट शहजाद मदर हैड बिन अनोड विद मेलकॉम्स एट ऑल आई एम श्योर मेलकॉम्स मेट नो हाम शी सेट टू मिसिस कार्टर विद द स्वीट एस्ट स्माइल हीज सच ए नाइस लेकिन शहजाद की मदर ने फिर भी उस मेलकॉम को कुछ भी नहीं कहा और बल्कि उसके बजाय उसने स्माइल के साथ मिसि कार्टर को कहा कि वो तो बहुत अच्छा बचा है शहजाद मस्ट प्रोवोक्ड हिम शहजाद हैड प्रोटेस्टेड बट हर मदर पिंस्ड हर एंड स्कॉर्डिड हर एंड मेड हर अपोलोजाइज टू अपोलॉजा कार्टर एंड मेलकॉम इसकी बजाय मेलकॉम की माँ के सामने उसने उसको कहा कि उससे माफ़ी मांगे मेलकॉम से और मिसि कार्टर से और कहा कि इसी ने उसको गुस्सा दिलाया होगा हाउ शी हेट मेलकॉम्स पार्टीज़ वो कितनी उससे नफरत कर रही थी हेलो मेलकॉम्स हैप्पी बर्थडे शहजाद एलाइट सडेटली फ्राम अलाइटेड सवारी से उतरी सडेटली वकार के साथ जैसे वकार के साथ वो सवारी से उतरी तो उसने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया ओ इट्स गुड ओल्ड फैटीमा सैड मेलकॉम मेलकॉम ने कहा फैटिमा उसको फैटीमासे के नाम से पुकारा फैटीमा उसने उसके निक नेम के नाम से उसको यूज़ करता था शी गेव हिम द प्रेजेंट शहजाद ने मेलकॉम को उसका गिफ्ट दिया तोहफा दिया It looks big enough. ये बहुत बड़ा है ही सेड उसने कहा उसने कहा यह तो बहुत बड़ा है सराउंडेड बाय क्यूरियस चिल्ड्रन मेलकॉम स्टोर ऑफ़ द ब्लू एंड गोल्ड रैपिंग पेपर उसके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो तजस तो में खड़े थे और मेलकॉम उसको खोल रहा था ही रेंज ओपन द लिड ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स उसने उसको फाड़ा ही पुल्ड आउट ऑफ द टिशू उसने वहाँ से एक टिशू निकाला सम ऑफ द चिल्ड्रेन गैस्ट कुछ बच्चे वहाँ पर हाँपना शुरू हो गए शहजाद वास अ गैस्ट वो बहुत ज़्यादा शशतर थी हैरान थी देयर इन मेलकॉन्स लार्ज रफ हैंड वाज अ ब्यूटीफुल लेपर्ड विद डार्क स्पॉट्स एंड शाइनिंग आइज उसके पास एक बहुत बड़ा चीता था बहुत खूबसूरत जिसकी शाइनिंग आईज थी उस पर डार्क स्पॉट्स बने हुए थे हर लेपर्ड ये शहजाद का चीता था इट्स अ सिसी टॉय सीसी मीन रिलेटिंग टू गर्ल यू तो लड़कियों का खेलने वाला है स्नोट इट मेलकॉम सेंड टॉस इट असाइड उसने मेलकॉम को काल से फेंक दिया एक साइड पर मेलकॉम वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द बोस एंड एरो जेनी हैड गिवन वो उस आ, उस उसकी लेपर्ड के बजाय मेलकॉम उस जैनी के लाए हुए कमान और तीरों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था शहजाद फेल्ट सिख शहजाद ने उस वक्त बीमार महसूस किया शी थॉट हर हार्ट वुड श्योरली ब्रेक उसने महसूस किया कि उसका दिल फट जाएगा शी वुड नेवर कैरी हर लेपर्ड अंडर हर आम नाओ शी कुड नेवर टॉक टू हिम अगे वो कभी भी उसके साथ बात नहीं कर सकेगी कभी उसको अपने आम में लेकर नहीं आएगी यू कॉन्ट हैव हिम शी वॉन्टीड टू क्राई हीज़ माइंड अंकल टू मी वो रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि ये मेरा है और मेरे अंकल मुझे गिफ्ट के तौर पर देगी नहीं ले सकते लॉस ऑफ हर लेपर्ट थी बहुत मायूस थी अपने खोने के बाद एंड शी लॉन्ग टू सी हिम अगेन और वो ख्वाहिश करी थी कि वो किसी तरीके से अपने लेपर्ट को देख ले हेयर इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी शी हैज टू अंपनी हर मदर ऑन एनदर विजिट टू मिस कार्टर लिहाजा वो अब उसको एक दोबारा से दुबार से चांस मिला है को मिसेस कार्टर के घर विजिट करे और अपने लेपर्ड को देख लेट लिस्ट सी हर लेपर्ड अगेन लिहाजा दोबारा सिर्फ उसको देखना चाहती थी शी होप मेलकॉम वॉज लुकिंग आफ्टर हिम प्रॉपरली वो ख्वाहिश कर रही थी कि किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचे और उसको देख ले यस देर ही हेब आज सिटिंग सेफली ऑन टॉप ऑफ द हाई शेल्फ इन मेलकॉम्स नर्सरी मेलकॉम की नर्सरी में उसको बहुत हाई शेल्फ पर रखा हुआ था ही वॉज़ इवन मोर मैगनीफिकेंट वो अभी भी बहुत शानदार था देन शी रिमेम्बर्ड हम टू बी जैसे को उसको याद था उससे भी ज़्यादा बहुत शानदार था शी लॉन्ग टू टच हिम उसको चाहती थी कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसको छुए बट ट रीच अप सो हाई लेकिन वो उस पर ऊपर नहीं जा सकती थी नॉट रीच शी डेयर आस्क और ना ही उसकी हिम्मत थी नेक्स्ट फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट फोर पैराग्राफ के ही क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर वन इज़ वट आर द रीजन शहजाद हैज़ फॉर फीलिंग अनहैप्पी क्या वजूहत थी कि शहजाद जो थी वो बहुत नाखुश थी शहरसा नेवर शेयर हर फीलिंग्स विद हर पेरेंट्स वो अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती थी दे आर सो मच कंसर्ड विद देयर पोजिशन इन द सोसाइटी डैट द नैबर पे अटेंशन टू हर वो इतने स्टेटस कॉन्शियस थे अपनी सोसाइटी में कि वो उसकी तरफ तोज्जो भी नहीं देते थे दे फॉर सर टू विजिट मेलकम्स हाउस अगेंस्ट हर विशेज़ उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट वो तो उसको फोर्स कर रहे थे कि वो मेलकम के घर जाए जस्ट टू तो गेट इन द गुड बुक्स ऑफ हज पेरेंट्स ताकि वो उसके पेरेंट्स के मेलकम्स के पेरेंट्स की, की नज़रों में अच्छी बन सके नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर एट वाइड डिसलाइक मेलकम सो मच वो उससे इतनी नफरत क्यों करती थी मेलकम इज़ बुली वो बहुत नोटी था ही ऑलवेज पोल्स हर क्लॉथ्स पुशीज हर एंड बीट्स हर वेन एवर ही गेट्स हर चांस वो मुझे उसके कपड़ों को ख़राब करता उसको धक्के देता और इवन को उसको मारता जब कभी उसको चांस मिल जाता हाउ डिड शहजाद फील वैन शी सद प्रेजेंट विच हर मदर हैज रेपड फॉर मेलकॉम शहजाद ने क्या महसूस किया जब उसके उसने उसकी माँ ने मेलकॉम के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट पैक किया हुआ था शी वॉज अगेंस्ट वो बहुत हैरान थी शी कु बिलीव डैट हर मदर हैड गिवन हर लेपर टू मेलकॉम वो इस पर यकीन नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ ने उसका लेपर मेलकॉम को दे दिया है